Hi guys, welcome back to my channel. I'm Tejaswini and you are watching Tennybird. Firstly, those who are new to my channel, don't forget to hit that red subscribe button and also hit that bell button so you always get notification when I'm uploading a new video. और आप चाहे तो मुझे Instagram और Facebook पर भी follow कर सकते हैं, उसकी ID आपको यहाँ screen पर show हो जाएगी. तो guys, आज की recipe है macaroni. इसे मैंने Indian style में बनाया है. ये बच्चों की तो favorite होगी ही होगी, साथ ही बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी. तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ ही अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें. तो चलते हैं रेसिपी की तरफ. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. इंडियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता बनाने के लिए मैक्रोनी को हम सबसे पहले बॉईल कर लेंगे. उसके लिए मैंने एक बहुने में यहाँ पर पानी लिया है और पानी को हम गर्म करेंगे. हमें इतना पानी चाहिए जितना हमारा मैक्रोनी अच्छे से इसमें डूब जाए. उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक और पानी के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे एक बाउल मैक्रोनी और इसे अब हम अच्छे से पका लेंगे. 5 से 8 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपका मैक्रोनी बिल्कुल अच्छे से पक गया है. आप इस तरीके से उसे चेक कर सकते हैं या खाकर भी देख सकते हैं. इसके बाद हम इसका पानी को ड्रेन कर देंगे और इसे हम ठंडे पानी से धुल लेंगे ताकि जो हमारे मैक्रोनी का एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए और मैक्रोनी खिले खिले दिखे. अब हम चलते हैं गैस की तरफ. उसके लिए मैंने यहाँ गैस पर कढ़ाई चढ़ाया है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल. ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा और जीरा को हम थोड़ा सा भून लेंगे. साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च. अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप और हरी मिर्च डाल सकते हैं. और इन दोनों को अब अच्छे से हम भून लेंगे और इन्हें हम चलाते रहेंगे ताकि हमारे जीरा और हरी मिर्च जो है जले नहीं. तो इन दोनों को अब हम अच्छे से भून लेंगे. इन दोनों के भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटे हुए मीडियम साइज के प्याज. प्याज को हमें सिर्फ हल्का सा भुनना है ताकि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए. हमें इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, खाली इसके रंग बदलने तक ही हम इसे भुनेंगे. तो हम कुछ इस तरीके से इसे चलाते रहेंगे ताकि हमारा प्याज जले नहीं और इसे हम 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे. तो 2 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपका प्याज बिल्कुल ट्रांसलूसेंट हो गया है, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है. तो अब हम यहाँ पर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट. मैंने यहाँ पर ग्रेट किया हुआ अदरक लहसुन यूज़ किया है, आप चाहे तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं. और इसे अब हम 2 मिनट के लिए प्याज के साथ पका लेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाए. और 2 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपका अदरक लहसुन और प्याज बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गया है. तो अब हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर और टमाटर को हम अच्छे से चला लेंगे इन सभी में मिलाकर. और टमाटर के डालते ही अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे. तो सबसे पहले मैंने डाला है 1 चम्मच नमक. आप स्वाद के अनुसार नमक डालें. नमक से जो है टमाटर जल्दी गल जाता है. साथ ही मैंने डाला है यहाँ पे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर. अगर आपको तीखा कम पसंद है आप तीखा कम डालें. 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और इंडियन टच देने के लिए मैंने इसमें डाला 1/2 चम्मच गर्म मसाला. और अब इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इन सारे मसालों को अच्छे से पका लेंगे. तो इसे आप या तो ऐसे पकाएं या तो ढककर पकाएं. मैं इसे ढक देती हूं और 2 से 3 मिनट के लिए हम पका लेते हैं. तो 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपका मसाला बिल्कुल अच्छे से पक गया है, टमाटर भी अच्छे से गल गया है. आप देख सकते हैं हमारे मसाले हैं जो बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं. आप टमाटर को कुछ इस तरीके से मैश कर ले ताकि ये एक बहुत फाइन सॉस जैसा बन जाए. पेस्ट की तरीके से सॉस तैयार हो चुका है. अब हम इसमें डालेंगे अपने फेवरेट वेजिटेबल. मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च और गाजर यूज़ किया है. आप चाहें तो कोई भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जी डाल सकते हैं. और उसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाना है, हमें वेजिटेबल्स को ज़्यादा नहीं पकाना है. तो या तो आप इसे ऐसे ही पकाएं या ढक कर पकाएं. मैं यहाँ पर इसे ढक देती हूँ. तो 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपकी सब्जी है और जो मसाले हैं वो अच्छे से पक गए हैं, बिल्कुल एक सॉस जैसा तैयार हो चुका है. तो यहाँ पर मैंने डाला है 2 चम्मच टोमेटो सॉस. ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी इसे डालने से ये और भी चटपटा हो जाता है. तो इसे डालकर ही बनाएं. इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे. तो अब टाइम है मैक्रोनी डालने का. आप इसमें अपने मैक्रोनी डाल दें और इन सभी को अच्छे से मिला लें. कोशिश करें इसे हल्के हाथों से मिलाने की, अदरवाइज जो मैक्रोनी है वो टूट सकता है. तो इसे आपको अच्छे से बिल्कुल मिला लेना है.
तो ये आपके इंडियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया और इसे भी हम चला लेंगे अच्छे से। तो ये रेडी हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं सर्विंग प्लेट में। तो देखिए लग रहा है ना बिल्कुल चटपटा और मसालेदार मैक्रोनी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो ये रेडी है आपका इंडियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता। आई होप गाइज आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो इसे आप एक बार अपने घर में जरूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।